कि मुझे सड़ाती थी, जलाती थी फातिमा, ये बोलती थी कि तुम कभी भी आगे नहीं निकल सकते। एक मरतबा ऐसा हुआ कि फातिमा ने मुझे भाई भी बोल दिया था सोशल मीडिया की वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम जी, शबर जाफरी हियर एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन फातिमा जाफरीज चैनल। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फातिमा जाफरी एंड वेलकम टू माय चैनल। पता नहीं कमरे में कहां से मक्खियां आ गई हैं, लेकिन एक दास्तान और आपको सुनाए, एक मक्खी नमा दास्तान। इस दास्तान में आपको क्या बताऊं, बिल्कुल टू द पॉइंट बात है, दो टोक बात है, जिसको इतनी लंबी करके सुनाया वो दो टोक में आपको भी सुना देता हूं। हम बताने आए हैं हमारी लव स्टोरी। मैं है कि फातिमा और मेरी आज से कुछ साल पहले, ठीक है, साल मेंशन कर लिया, मैं साल मेंशन करता हूँ, 1967 की बात है। खैर ये कुछ साल पहले की बात है, फातिमा ने मुझे प्रपोज किया था और हमारी शादी हो गई। That's it. ये इतनी सी बात है, इसको इतना लंबा करके बताया जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 2019 की बात है, 18 की नहीं, 2002 की कर दी, 2019 की बात है। फर्स्ट टाइम मतलब मैं, मेरा ख्याल है पहले डब स्मैश भी बनाता था। अपनी लाइफ स्टोरी बाद में सुनाएंगे, पहले अपनी जरा लव स्टोरी बता दें, अपने कुछ दुख भरी कहानी, मेरी कहानी, मेरी जुबानी आपको सुनाते चले। 2019 के अंदर जब मैं आया था टिकटॉक पे, उस वक्त फातिमा भी टिकटॉक पे थी। जब फातिमा टिकटॉक पे थी तो मैं ही शायरी करता था टिकटॉक पे। उस वक्त इनको इतना पता नहीं था, ठीक है, अच्छा मैं ही शायरी करता था, बस कर जाओ। अच्छा तुमसे ज्यादा फॉलोइंग से ज्यादा मेरी फॉलोइंग थी। हाँ इस मेरे से ज्यादा फॉलोइंग थी, 1.23 मिलियन पे ये थी। नहीं मैं जब मैं 3 लाख में था, जब मैं 4 लाख पे थी ना, तब आप कोई थे 3 समथिंग पर, और तब हमारी बात हुई थी। हाँ और फिर उसके बाद ये मुझे कहते कि तुम मेरे सामने आई, मैं पहले से बनाता था तो मुझे क्रॉस करके निकल गई। इसने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, पहला मैसेज करने के लिए डीएम खोला था, उन्होंने मुझे जलील किया हुआ था उस पे। स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा, पहला मैसेज इन्होंने मुझे किया हुआ था जिसमें मैंने वैसे जलील किया था इससे पहले, जो शायरी की हुई थी उसमें से बड़ा ही एक बेहुदा सा शेर पड़ा था। तो सीधी सी बात है, वो आज मुझे वीडियो मेरे पास होती मैं लाजमी दिखाता। तो मैंने आगे से मैसेज किया था कि अगर आप जो है वो सैयद जादी है ना, या अगर आप टिकटॉक छोड़ दो और आपकी ये शक्ल नहीं है, पता नहीं क्या क्या मैंने पढ़ा। मैं कहा लो मैं तो इस बंदे से बात करने के लिए मैसेज किया, क्योंकि इनका मेरा एक शेर जॉन का हमने एक जैसा पढ़ दिया था, ऐसे सुने थे मौला अली के फरामीन जो थे, इन्होंने मुझे हाँ मांगे थे मेरे से मुहर्रम बाद में ना, बाद मैं में सारे स्क्रीनशॉट साथ लगाऊंगा बाद में। तो ना खैर इन लोग का ना, हम लोग की बात शुरू हुई, जैसे इन्होंने मुझे जलील किया हुआ था, मैंने कहा अरे यार ऐसा माजरत चाहती हूँ, ये मैं हटा देती हूँ और ऐसी भी कोई बात नहीं, ऐसे करके मैंने बात को आई गए कर दिया। व्हाट्सएप पे आ गए, व्हाट्सएप पे बात होती रही होती रही। अच्छा फिर एक टाइम ऐसा आया जब मेरे को मजा आया, और वो मजा ये था कि अभी फातिमा ने बताया कि मेरे 50,000 या 1 लाख फॉलोवर्स थे, जब इनके 3-4 लाख थे। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे, या मैं खुद सोचता था कि यार ये कौन लड़की है जो अचानक ही मतलब शराटे की तरह आई है और करके निकल गई है। इसके 1.3 मिलियन फॉलोवर्स हो गए थे फातिमा के, और मेरे 1 मिलियन हुआ था एट दैट टाइम। नहीं नहीं, तुम्हारे 1.3 मिलियन थे और मेरे 3-4 लाख ही थे, ठीक है। तुम्हारा 1.3 से 1.5 पे गया था शब्बर शाह, 3 से 4 लाख पे टपाक करके निकल गया 3.5 मिलियन पे। नहीं नहीं, पहले जब इनका 1 मिलियन हुआ ना, मेरे जबकि खुद के 1.5 मिलियन थे, मैं तब भी इनको कॉल करके रो रही हूँ कि तुम्हारे नहीं होने चाहिए, तुमने क्यों कर लिए, और ये और वो और ये, और मैं कुड़ता था नाच रहे मेरे सामने। मैं कुड़ता था कि यार एक औरत है और एक मर्द है हम, ठीक है, लेकिन उस टाइम ये भी तो सोचते थे ना कि औरत जो है वो मर्द से कम नहीं होती। लेकिन शादी के बाद अब आके कुछ बातें हमने बताई भी हैं कि भाई हम हाकिम हैं, कुछ खुदा का खौफ करो। कि मुझे सड़ाती थी, जलाती थी फातिमा, ये बोलती थी कि तुम कभी भी आगे नहीं निकल सकते। 1.3 से 1.5 पे गई, मैं 4 लाख से सीधा 3.5 मिलियन पे गया। फातिमा ने मेरा ख्याल कराची बुलाया था मुझे। मैंने क्यों बुलाया था? तो दैट टाइम मैं पहली मरतबा कराची गया।
फातिमा के साथ पहली दफा मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात भी क्या सरसरी तौर पे अपने भाई के साथ आई हुई थी, और हम एक दूसरे को मतलब जानते भी नहीं थे। रो रही थी मुझे देख के। आप भी रोए थे क्या? आप नहीं रोए थे? मैं वो बाद की बात है, मैं अपनी किस्मत को आज तक रो रहा हूँ। वो बाद की बात है जब मैं रोया था। मैं कब रोया था मैं बता भी देता हूँ। मैं इसलिए रो पड़ा था, मुझे तरस आ गया था, कसम बाखुदा अभी भी शक्ल देखता हूँ तरस आ जाता है। पहली मर्तबा जब मिले ये आई और हम लोगों ने बैठ के खाना वाना खाया, साथ इसका भाई आया था। खाना कहाँ खाया था? जब इलियास भाई थे साथ। वो फर्स्ट टाइम नहीं, वो छठी दफा आए थे। फर्स्ट टाइम जो आए थे ना भाई भी सी, जब आए थे रमजान में, मैंने नहीं खाया। मैं इतनी शॉर्ट करके बात बता रहा हूँ ना, मुझे पता है कि उन लोगों को तुम्हारी बोर कहानी नहीं सुननी। अच्छा, मैं बड़ी शॉर्ट करके बता रहा हूँ कि लव स्टोरी ऐसी हुई है। अच्छा, अब लोगों की लव स्टोरियों में प्रपोज होता है, घरों में आना जाना होता है, माँ के हाथ में बड़ी ईद वाले दिन अपना गोश्त के शापर दे के भेजने होते हैं। इधर कुछ ऐसा नहीं था। ये गुजरांवाला से कराची एक बड़ा लंबा सफर था, बड़ी एक दास्तान थी। वहां पे फातिमा का और मेरा मिलाप हुआ। अगर हम गए भी हैं वहां पे नॉर्दर्न एरियाज में, भाई इनके साथ जाते रहे। जब हम बाकू में दोनों गए थे, हमारा निकाह तब नहीं हुआ हुआ था, भाई भी इनके साथ गए थे, हैदर भाई। और जब हैदर भाई साथ गए थे तो सारी पिक्चर्स वीडियोस जो थी हैदर भाई ने खुद ही बनाई थी। निकाह तब हुआ था जब हम लोगों ने पहली पिक्चर डाली थी दोनों की वहां पे। हमारा जो सबसे पहला शूट हुआ था टुगेदर, ना कभी मैंने शूट कराया था ना कभी फातिमा ने शूट करवाया था। ये तो कुछ लोगों को पता था कि हमारा निकाह हो चुका है। अच्छा, अच्छा। कुछ को नहीं था पता निकाह हो चुका है। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग वापस आए, हमारा जो शूट हमने डाला था वही था हमारा पहला मतलब पहला निकाह का। फिर उसके बाद जब ये एक साल जो था ना बीच में, निकाह के बाद गुजारना बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए। अब इतना मुश्किल था कि बहुत आसान था भाई। ये आते थे और ये फिर चले भी जाते थे। और जब ये आते थे ना तो बोलते यार अभी दो तीन दिन है, फिर पता ही नहीं चलता था, वो दिन उड़ जाते थे। कराची जाने के लिए मेरे पास कभी बायर के पैसे नहीं हुए। आप लोग जो टूर्स देखते हो ना जी, हर हफ्ते बाद महीने बाद जहाज में जाते हैं, वो स्पॉन्सरशिप्स होती थी एक रेस्टोरेंट। कभी कभी ये भी स्पॉन्सरशिप होता था। ऑलरेडी बता दिया था मैंने कि YBC रेस्टोरेंट था, वो बुलाता था, हम लोगों ने वहाँ जाना रोक दिया। फिर जो मेरे उसके बाद चक्कर लगे ना वो अपनी जेब से लगे, ठीक है। इसके अलावा अमानुल्लाह भाई सिद्दीकी बॉस भाई हैं, उनके पास जाते रहे। तो यूं करके हम किसी ना किसी चक्कर में किसी बहाने थे हमारे पास। फातिमा के साथ मिलते रहे वहाँ कराची, हम लोग घूमते रहे, ठीक है। फातिमा की मामा ने एक दिन हमें घर बुला लिया, और घर बुला के वालदा ने मेरी टिकाई आंटी ने मेरी इतनी टिकाई कि ये खाना मैंने खाया, निवाला मैंने खाया। अब इनके भाई को तो पता था कि मैं कैसा लड़का हूँ, तो एक सीधा साधा लड़का हूँ। तो आंटी को ये था कि पंजाब का है, और पता नहीं पंजाबी किस तरह होते हैं, पंजाबी मारते हैं पीटते हैं और ना ये गलत सुपरस्टिशन ऐसे वाले। हाँ ऐसे थे। अब वो पहला निवाला मेरे हलक से उतरा है, अभी मुंह में गया पहला निवाला, और आंटी ने बोला माँ बाप को कब ला रहे, तो निवाला ही। मैंने कहा आंटी मैं क्या करूँ। ये उन दिनों की बात है जब हम दोनों मतलब आना जाना होता था मेरा। हाँ। चक्कर वहां लगते। खैर वो चक्कर लग गए, बात हो गई। एक दिन ऐसा आया, अब निकाह की आपको स्टोरी यहाँ से बताते हैं। ये बड़ी एक अजीब सी दास्तान है हमारी। अब आप लोगों को वो चीजें नहीं हमने बताई कि हमारी फैमिली में कैसे रिस्ट्रिक्शंस थी, ये है वो है। गुजर गए ना, वो तो बताया ही नहीं, वो बताया नहीं है। अब एक बार तब ऐसा हुआ कि फातिमा ने मुझे भाई भी बोल दिया था सोशल मीडिया की वीडियो में, ठीक है। अब मुझे नहीं पता भाई क्यों बोला था। मुसलमान आपस में भाई बहन होते हैं, फिर उसके बाद मियां बीवी भी हो जाते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता अब क्यों बोला था, आई डोंट नो। टिकटॉकर्स बोल चुके हैं। लेकिन जब फातिमा ने मुझे हस्बैंड बोला तो तब लोगों ने इतना उसको कंट्रोवर्शियल बनाया कि भैया से सैया तक का सफर। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ जो आप लोगों के दिल में सवाल था कि ये तो भाई है। सेकंडली एक और बात आप लोगों के दिल में आती है कि जाफरी जाफरी है दोनों भाई, तो ये दोनों भाई बहन है। नहीं नहीं, जाफरी एक फिका जाफरिया से कास्ट होती है। हम छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की जो है औलाद में से, तो इस वजह से जो है हम जाफरी कहलाते हैं। कास्ट हम लोग सेम है लेकिन बहन भाई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अब फातिमा ने वो एक शेर पढ़ा था, उसमें मतलब कौन सा शेर था जिसमें तुमने भाई लिखा था मुझे? ओ ना, अच्छा मजे की बात है, इत्तेफाक तो बता भी इसी पर। आया सुना सब्र की कोई कुरान से, वरना
वरना उलझ पड़ूंगा मैं सारे जान से, वो शाम आज तक मेरे सीने पे नक्श है, एक शख्स फिर गया था जब अपनी जुबान से। कैसी कैसी फिरी जुबान से। म्यूजिक ये कह रहे कोलैबोरेशन है। मैंने कैप्शन में लिखा भाई इन्होंने जो आग बगोला भाई लिख के आगे हार्ट डाल के और मेंशन कर दिया शबरी। और लोग ना और लोग उस पे ना शब्बर को, बहुत सारे टिकटॉकर्स थे यहाँ के, नाम नहीं लेंगे, शब्बर को वॉइस नोट पे ना गाने गा गा के भाई भले और ये और भेज रहे थे, और ये मुझे भेज के सुना रहे। और आज जो सुना रहे थे ना वो गाने, बेटा वो जितने भी सारे दोस्त थे वो मुझे कह रहे थे असल में मैं पसंद कर चुका था, और सब जो है वो मुझे कहते थे कि कोई बात है, तो मैंने साफ सुथरा मैं उनको कहता था कि यार मुझे पसंद है फातिमा, लेकिन मैं उस तरह से नहीं कह पाता था जिस तरह से, मतलब इधर पंजाब में तो यूँ बोलते हैं ना, मशहूर क्या अपनी ओए अभी तेरी ओए मेरी सहेली उन्होंने कुछ कहना ना सहेली यूँ होता ना, उस किस्म का नहीं था और ना ही मैं उसको राज रखता था। बस जब कोई मुझसे पूछ, क्योंकि कभी किसी लड़की के साथ वीडियो बनाई नहीं थी ऑन सोशल मीडिया ना अपने कभी पेज पे लगाए, तो जब फातिमा के साथ लगाते तो वो कौन है, मतलब यार जानने वाली है, और दूसरा ये कि बड़ी अच्छी दोस्त है मुझे। वो दोस्त ने ऐसा मेरी रेड लगाई ठीक है, वो दोस्त को इसने दो सत कर दिया। फातिमा की कुछ प्रॉब्लम्स थी, फातिमा मेरे साथ शेयर करने लग गई। फिर जो मेन दिन था हमारा आपस में एक दूसरे का मिलने का, वो ये थी 12 रबी अव्वल किस दिन, जब मैं स्नैक की सैलरी फंसी थी रेस्टोरेंट पे हम लोग बैठे हुए थे, वहां पे मेरी एक सैलरी आई थी और वो कम से कम 3 से 4 लाख बनती थी, वो सैलरी गई फंस और फातिमा ने यू लिटरली लोगो आप देखो शब्बर जाफरी जो इतना बहादुर बनते ना, उस वक्त शब्बर जाफरी यूं कप कप आते यूं और मुझे तरस आ रहा था, खुदा की कसम मेरे आंसू यहाँ टिके हुए थे इनको देखकर कि ये कब कपा के रहे, यार फातिमा तुझे मोबाइल दो, मेरे ये कह रहा है हिला का मोबाइल लाओ, ये करो 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह मेरा ना असल में हिसाब ये बना हुआ था, बंदे के पैसे पल्ले नहीं सी तेला ते करदा सा मेला मेला। किसी ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया था पेनियर का और वो उसमें से निकाल लिए थे। फातिमा ने इतनी हेल्प की, वो पैसे तो मेरे नहीं आ सके, दिलासा अच्छा दिया था ना मैंने, इसकी हेल्प से आज तक मेरे पास कुछ नहीं आया। शब्बर दिलासा अच्छा दिया था ना मैंने। अब उसकी वजह से आया तो मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन खैर मुझे एक सहारा मिल गया। और दैट टाइम उस रात हम लोग बैठ के काफी देर बातें भी करते रहे एक दूसरे के सोफे पे बैठ के रेस्टोरेंट पे, और लोग आते थे अपना, वो जो दोस्त वगैरह थे वो आके देखते थे, वो कराची के तो कहते थे। अब उन्होंने मिलाने में बड़ी कोशिश की हम लोगों को, वो अलग बात है कि सामने से मिला रहे थे पीछे से कटा रहे थे। ये बात आपको कुछ समझ आ रही होगी कुछ नहीं आ रही, वो इसलिए क्योंकि 2019 में लव स्टोरी शुरू हुई, बल्कि दोस्ती शुरू हुई है। हाँ। आपको मेन मेन बता देता हूँ एक जुमले में, सेंट्रल आइडिया। 2019 में दोस्ती शुरू हुई, 2020 में नफरत शुरू हुई, 2020 से लेके 21 तक साल हम जुदा रहे, भाई कहने के बाद हम लोग बिल्कुल जुदा रहे। 2022 में हम लोगों का निकाह हो गया, 2023 में ऐताडे सामने बैठे हैं इस हालत में, आ देखो मैं निकर पाई जे। ये हालात है 2023 में, आगे का पता नहीं है। लव स्टोरी मैं आप लोगों को इतना बताऊंगा, निकाह में बड़ी बरकत है, सारे मजाक अपार्ट, निकाह एक बड़ी अच्छी चीज है, अपनी जिंदगी संवारा करें, कोई चीज कोई औरत पसंद भी है मगर एक ही करें, कोई अगर पसंद है नहीं पसंद बहुत ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बात बता रहा हूँ, इस्लाम में 4 हैं तो 4 हैं, हाँ नहीं फिर जो मर्जी कहते रहो, हमें कोई इस्लाम में दीन रोजा नमाज हज उमरा ज़ियारत ये नहीं है, याद क्या सिर्फ इस्लाम के नाम पर 4 शादियां बस। अगर मैं ये सारी कर लूं तो करने दे, जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। निकाह में बड़ी बरकत है, ये बात तो सच है। कोई पसंद है बाबा को जाके सीधा बोल दो कि पापा जी ये पसंद है, फिर पापा ने उठा के जूती मार दी और कुछ नहीं, जूता मारेंगे बात नहीं करेंगे। हाँ। रोटी नहीं देंगे ठीक है, गलत काम लड़की वालों को मसला कोई नहीं होता, ये जितने भी सुनने वाले इन लोगों को कोई मसला नहीं होता, इनके घर वालों को कोई मसला नहीं है, जी लड़की ब्याही जा रही है ठीक है, हाँ लड़का देखते हैं वो पढ़ा लिखा है क्या करते हैं, बेटी से मोहब्बत करता है तो कैसी मोहब्बत करता है, लड़का है कैसा, कहाँ का है, बैकग्राउंड क्या है, अगर हम में तो ये देखा सैयद है तो कौन सा सैयद है,
लड़कों को क्या प्रॉब्लम होती है, उसके पास जॉब देखी जाती है, जेब देखी जाती है, घर देखा जाता है, गाड़ी है कि नहीं, आगे कितने पैसे करेगा, शादी पे कितने लगाएगा, ठीक है, पीछे उसके अकाउंट बैंक बैलेंस कितना है, ये चीजें उसकी। तो लड़कों को एक बात बताऊं, पाकिस्तान में आप ये नहीं सोच सकते कि आप बहुत ज्यादा यकदम ही जॉब कर करके अमीर हो जाएंगे। आप इधर मेहनत, खुदा ने मेहनत का काम है, तुसी मेहनत करनी है, फल रब दे देगा, लेकिन अगर कोई पसंद है तो जरूर गुनाह की तरफ जाना है। अच्छा, आप रिवील तो कर दें, निकाह इज द बेस्ट, निकाह की डेट तो रिवील कर दें, हमने अब तक नहीं बताई है हम लोग निकाह की डेट, मुझे भी नहीं याद। 17 दिसंबर। हाँ, सत्रह दिसंबर नहीं नवंबर। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। मैं चेक कर रहा था इसे कि नहीं ये कवर कर रहा है। 17 नवंबर। तो यार 17 दिसंबर भैया की है ना। हाँ साले मेरे। ये हमारी लव स्टोरी थी, और कोई ऐसी बात हुई है हमारी लव स्टोरी में? बहुत रोए हम लोग ने, बहुत रोना पीटना मचाया। अच्छा ये मैं स्क्रीनशॉट दिखाऊं तुम्हारी लाल लाल आंखों वाले, वो वीडियो याद है? वो वीडियो याद है, जाते हुए कमरे के किसी चीज को छू दे। मैं याद करूंगा कि तेरे हाथ लगे हैं। नहीं नहीं, मेरी वैसे भी अभी भी आप देखेंगे आंखें नम है। नहीं कोई, मेरी हमेशा जो है ना वो आंखें नम होती है। मैं हमेशा जिंदगी में जो है ना, मैं बड़ा कमजोर दिल का हूँ, सेंसिटिव बंदा। ये चीजें जो है ना, ये जो मैंने सर दर्द अपने सर लिया ना, आप लोग मुझे कहते हैं ना ये फातिमा किससे शादी कर ली, मैं बड़े कमेंट्स पढ़ रहा हूँ ऐसे, तुसी करो दे दो फिर मैनू। अच्छा, ये मेरा पुत्र है, ये बंदा मुझे कमेंट करता है बेबी को पुत्र कहने से, बेटा कहने से निकाह में खलल पड़ता है। हमारे नहीं होता आपस में घर में बातें होती यही होती होती है। किसी को उसकी मोहब्बत मिल जाना सबसे बड़ी नेमत है। अच्छा, मुश्किलात जो आई है ना वो इतनी है कि मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये तलखियां नहीं बताई, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैंने ये प्रॉस्पेरिटी बताई है। मंजिल मिल जाती है वैसे, लभी तो कोई नहीं आज तक। अव्वल तो मैं शादी से रोकूंगा। किसको? पहली बात तो ये, मैं निकाह से नहीं रोकूंगा, शादी से। वाह, ये क्या फा? मेरी जितनी एज में शादी करने का फायदा ये है कि आप जो है वो गुनाह गुनूह से बच जाते हैं, आप आपकी बीवी जो है ना वो आपको ठीक ठुक कर देती है। जवान जवान नहीं, जवान जवान बच्चों के साथ साथ बाप भी जवान जवान लगता है जल्दी शादी करने का, ये वो है, उसके अलावा कोई और वो नहीं है। नहीं तो वो यूं वाले बुढ़े बाप से बेहतर ही है। देख ले आज जिंदगी जे की करना जब ब्याह करके। जितनी भी लव स्टोरी बताई है ना आपको, हम चाहते तो हम स्क्रिप्टेड भी कर सकते थे, हम बना भी सकते थे ऐसे ऐसे मजेदार वाकयात, ऐसे ऐसे मजेदार मसाले। ठीक है, जॉन साहब नु पढ़ के बहुत मसाले आंदे सानू, इतने इतने मसाले बना सकते हैं सोच है, लेकिन नहीं, जो बात है वो है। वी आर हैप्पी एंड अल्हम्दुलिल्लाह, मौला का बड़ा करम है, वी आर सो हैप्पी। इसके घर वाले हैप्पी हैं, बल्कि इसके घर वाले हैप्पी में जीना इसी का नाम है। ठीक है, मरवा तो ये देंगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह। निकाह लाजमी करें, और पसंद है तो लाजमी करें, और अपनी पसंद से करें, किसी और की पसंद से नहीं। मेरे वालिद साहब मौलवी हैं। मेरे वालिद साहब ने कहा था सोशल मीडिया पे जो लड़की होगी ना उसके साथ तू कभी शादी नहीं करनी, एक सोशल मीडिया पे, दूसरा सात समंदर पार। तीसरा मेरे वालिद साहब ने बोला पढ़ी कितनी है, मैंने कहा बाबा फातिमा की आज मैं एजुकेशन भी रिवील करने लगा हूँ, फातिमा ने डिप्लोमा किया जी, 3 साल सबको पता है आईटी का, मैट्रिक के बाद 3 साल का डिप्लोमा पता है, ये सारी चीजें छोड़ इंजीनियर कहलाते, मुझे पसंद है बस, मुझे इंजीनियर कहलाते हैं, मैं नाम क्या है यार। अच्छा यार, तेरी मेहरबानी, 7 गलतियां तेरी निकल दी एक लाइन दे विचों, जिदे तू भाई 7 लफ्ज जी नहीं यार, ऐ श्यामा जी आलो कर लो ब्याह, तुझे आलो झूठ ओस ओस जान दा, अभी 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 ओस ओस जान दा, झूठ इंजदा मारो सच कोलों दी लूस के निकल जा। बोलते हैं इनकी बातों पे यकीन नहीं करेगा, पर मक्की बह गई तेरे दे, सच्ची है सच्चों में मक्की बैठती है। अब्बा नाराज थे, रिश्तेदार नाराज थे, जेब में पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, उजड़ रहा था सारा काम, शादी के बाद सब जुड़ गया, सब ओके हो गया। बस ये लव स्टोरी है, इतनी कोई वो वैलेंटाइन से शुरू नहीं होती,
और ना ही ईद के गोश्त के शापर का खत्म होती है। नहीं हमारी बहुत नॉर्मल सी बस, आपको तलखियां नहीं बताई, तलखियां बताने बैठ जाएंगे तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। तलखियां इतनी बताते भी नहीं है, लोग रोते तो आपकी अपनी जिंदगी में भी बड़े बड़े मसले होंगे, आप भी चाहते होंगे किसी ना किसी को। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी कर जाएगा एक तो प्यो का नाम नहीं बल खराब करना, ठीक है। वैसे मेरे तो हो गए पकड़ी नहीं उसकी उछालनी, बेटियां इज्जत होती हैं बाप की। बच्चे को चाहिए कि एक वो लाज रखे अपने बाप की, माँ बाप की लाज रखे, लड़की की लाज रखे, लड़की घर वालों की रखे, कुछ करे कमाए, रिश्ता लेके आए, भावे जिंदगी लग जाए रिश्ता लेके आए, तो पुठे पासे नीचे जाना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे, टेक केयर, फी अमान अल्लाह। तो मैंने बहुत भैन ही तुम पता।